आप सब कैसे आए हो? आप सब अच्छे होंगे। तो ये है हमारा गार्डन। आज हम आपको गुलाब के पौधे दिखाएंगे अपने गार्डन में। ये हमारा पहला गुलाब है, इसमें वाइट कलर के फूल आते हैं। ये हमारा दूसरा गुलाब है, इसमें येलो कलर के गुलाब के फूल होते हैं। ये भी हमने गमले में लगाया है। तीसरा गुलाब आपको दिखाते हैं। ये हमारा तीसरा गुलाब है, इसमें हल्के पिंक कलर का गुलाब होता है। ये भी हमने गमले में लगाया है, काफ़ी अच्छा पौधा हुआ है। ये गमले में भी काफ़ी अच्छा पौधा हो गया है गुलाब का। कलियाँ भी बन रही हैं। तो हम आपको चौथा गुलाब दिखाते हैं। सारे पौधे यहाँ पे हमने रख दिए हैं, जगह ना रहने की वजह से यहाँ भी हमने गमले रखे हैं। हमारा चौथा गुलाब का पौधा है, इसमें ऑरेंज कलर के फ्लावर आते हैं। हमने यहाँ भी कुछ पौधे गमले के रख दिए हैं। गुलाब के साथ साथ हम आपको और भी पौधे दिखाएंगे इस वीडियो में। मधुमालती का पौधा है, इसकी थोड़ी थोड़ी पिंचिंग अगर हम कर देंगे तो ये पौधा काफ़ी घना हो जाएगा। जब इसमें फूल आएंगे तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आएंगे। इसकी सिर्फ आखिरी पंखुड़ी जो होती है शुरुआत की, यही काटनी चाहिए, पिंचिंग करना चाहिए। ये पौधा अगर आप ज़मीन में लगाएं तो काफ़ी अच्छा ग्रो करेगा ये पौधा। हमने इसको गमले में लगाया है। अभी हमारे गार्डन में और भी गुलाब के पौधे हैं, हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये है गुलाब का पौधा, हम नया लाए थे नर्सरी से, इसको हम एक दिन पहले लगा दिए। काफ़ी खूबसूरत फूल है। इसकी वीडियो हम नहीं बनाए थे, टाइम ना मिलने की वजह से इसकी वीडियो हम नहीं बनाए। काफ़ी खूबसूरत फूल है ये, इसका पौधा भी काफ़ी अच्छा है। ये भी हम नर्सरी से लाए थे, इसको भी हम कल लगा दिए थे एक दिन पहले। इसमें दो कलर के नारंज, इसमें दो सेट के पौधे फूल आते हैं गुलाब के। इसमें ऑरेंज और येलो कलर का सेट है गुलाब का, इसमें दो कलर में फूल बनते हैं। गुलाब की अगर हम बराबर पिंचिंग करते रहेंगे तो इसमें ढेर सारी टहनियाँ निकलती हैं गुलाब की, और गुलाब काफ़ी घना हो जाता है। गुलाब के पौधे में सर्दी के सीज़न में पानी कम डालेंगे तो गुलाब का पौधा जो है मरेगा नहीं, ख़राब भी नहीं होगा, उसकी ग्रोथ भी अच्छी रहेगी। जो जो पत्तियाँ टहनियाँ ख़राब हो जाए उसको आप काट के निकाल देंगे तो गुलाब का पौधा कभी नहीं मरता। उसको पानी कम की ज़रूरत होती है, पानी कम डालिए तो पौधा ज़िंदा रहता है, ज़्यादा पानी डालेंगे तो पौधा मर भी सकता है। इसमें ठंड के मौसम में इसमें जैसे पत्तियों को ठंड लग जाए, पत्तियां पीली हो गई हैं तो इसको हम काट के निकाल देंगे, नहीं तो पौधा कमज़ोर हो जाएगा। काफ़ी पत्तियाँ पीली पड़ गई हैं तो इसको हम काट के निकाल देंगे।
वैसे तो पौधा बहुत ही अच्छा है, कहीं कहीं पत्तियां भी आ रही हैं। ठंड के मौसम में जो है गुलाब के पौधे में पानी कम डालिए, पौधा मरता नहीं, जब इसको ज़रूरत हो तभी आप पानी डालिए, वैसे पानी मत डालिए, ये पौधा ख़राब भी हो जाता है। इसमें कुछ ख़राब पत्तियां होती, इसको आप हटा दीजिए, ज़रूरी नहीं खराब पत्तियों से आप खाद मिले, कुछ कुछ पत्तियां इसके लिए ख़तरनाक भी होती हैं। ये हमारा आखिरी गुलाब का पौधा है, ये काफ़ी छोटा है, ये सूख रहा था, हमने इसको धूप में रख के उसमें पानी कम कर दिया तो ये पत्ता पौधा जो है ज़िंदा हो गया। देखिए इसमें नई नई पत्तियां भी आ रही हैं। ये हमारा गुलाब का आखिरी पौधा है। हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।